नमस्कार, जय भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ गौरव झा। डीजल गाड़ियों पर 10% लग सकता है जीएसटी। 63वीं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कॉन्वेंशन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से डीजल वाहनों पर 10% जीएसटी लगाने का अनुरोध करने की योजना बना रहे हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि डीजल वाहन सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। गडकरी ने कहा कि वो ऑटोमोबाइल कंपनियों को डीजल वाहनों के निर्माण को कम करने के लिए डीजल से चलने वाले वाहनों पर 10% अतिरिक्त जीएसटी प्रस्ताव कर रहे हैं ताकि डीजल वाहनों का निर्माण कम हो, जिससे होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। इसके बाद मीडिया में डीजल गाड़ियां पर 10% जीएसटी लगाने की खबरें बड़ी तेज़ी से चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि सरकार के सामने फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ग्रीन एनर्जी में परिवर्तन लाने का यही एकमात्र तरीका है। गडकरी ने ऑटो इंडस्ट्री से डीजल वाहनों का प्रोडक्शन कम करने की बात कही। वही दूसरी तरफ नितिन गडकरी के बयान के बाद भारतीय ऑटोमेकर कंपनी टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लीलैंड के शेयर 2.5% से 4% के बीच गिर गए हैं। बता दें कि डीजल वाहनों पर 10% जीएसटी लगाने के से कार बनाने वाली कंपनियों को गाड़ियों की कीमत बढ़ेगी, जिससे कहीं ना कहीं कार कंपनियों के सेल्स पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। जैसा कि आपको बताते चलें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को दिल्ली में श्याम की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा, प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, इसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। वही दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री ने वाहन निर्माताओं से कहा कि वह पेट्रोल और डीजल की जगह इलेक्ट्रिक और अन्य तकनीक वाहनों को देश में ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, जिससे प्रदूषण पर लगाम लगाया जा सके। फिलहाल देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखते रहिए हमारे साथ जय एस भारत न्यूज़ पर।